हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और घर पे होंगे। और मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोबाइल टेक आर के विश्वा। तो बहुत दिन बाद एक वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो ये है असूस का फ़ोन जेनफोन सेल्फी, और ये फ़ोन ऑन है, चार्ज भी होता है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका बैटरी काफ़ी ड्रेन होता है और हीटिंग बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे अभी भी काफ़ी हीट हो चुका है। ये फ़ोन चलते चलते ऑटोमेटिक रीस्टार्ट लेता है, उसके बाद हीटिंग भी होता है। तो शॉप पर हमने इसमें पहले राइड किया, पर प्रॉब्लम सेम टू सेम रह गया। तो ये हम आईसी लगाएंगे जो कि है 8916 PM, 8916 है, क्वालकॉम का आईसी है, और इसी को हम लगाएंगे इस फ़ोन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है कि हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं। थोड़ा सा सोचे थे कि आप लोगों को कुछ फॉल्ट फाइंडिंग बताएंगे, पर छुट्टी मनाने के चक्कर में, छुट्टी नहीं कही है, ये लॉकडाउन का चक्कर में हम भी आलसी हो गए हैं, बना नहीं पा रहे हैं 8916। तो फ़ोन ये काफ़ी अच्छा आता है। कैमरा को पहले बाहर निकाल लेते हैं हम। जो वैल्यू है वो भी हम आपको फिर से चेक करते हैं। तो कुछ जगह पे जो वैल्यू है वो काफ़ी लो है हमारा। तो ये देखिए शॉर्टिंग था यहाँ पे, जब हमने हीट दिया तो ये शॉर्ट हो रहा होगा मेरे ख्याल से, इसी के कारण ये काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे देखिए आईसी में बबल्स फेंक दिया है। तो ये प्रॉब्लम होता है कभी कभी, आपको पता नहीं चलेगा। तो आईसी को हमने निकाल दिया है बाहर, अब हमें दूसरा आईसी लगाना है यहाँ पे। तो मेरा शक पहले से सही था, हम जान रहे थे कि इसमें प्रॉब्लम है पावर आईसी से। तो ये है हमारा दूसरा पावर आईसी, देख रहे होंगे, इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं हम। और ये भी किसी दूसरे मदरबोर्ड से हम निकाले हैं। तो कंफर्म नहीं है कि ये सही है या नहीं है, पड़ा हुआ था मेरे पास, उसी में से निकाले हैं। तो इसे हमें सिंपली लगा देना है यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगा देते हैं। अब हमें लगाना है इसको।
तो इसको हमने अभी ये अच्छी तरीके से लगा नहीं है, इसको थोड़ा और लगाना पड़ेगा पेस्ट डाल के। तो अब ये हमारा अच्छी तरीके से लग गया है यहाँ पे। अब हम थोड़ा इसको ठंडा होने में देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे। और ये देखिए किस तरीके से निकालने के क्रम में ये आईसी हो गया हमारा, ये देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये शॉर्टिंग शायद इसी के कारण था, जो हीटिंग वगैरह था इस आईसी के कारण ये हो रहा था प्रॉब्लम। तो ये फ़ोन ऑन हो रहा है। ऑन होने देते हैं इसको थोड़ा सा हम, और कोई वीडियो का कंटेंट नहीं मेरा कि किस टॉपिक पे बनाए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमें ये चीज़ चाहिए, इस चीज़ पे थोड़ा सा वीडियो बनाइए, तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कि वीडियो हम बनाएं। तो देखिए हमारा परसेंटेज भी सही सही बताने लगा है, उस टाइम हमारा बिल्कुल लो बता रहा था परसेंटेज। तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है, यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो चुका है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और घर में रहिए सेफ रहिए।